सर को झुकाए भी। नमस्कार दोस्तों, निरोग जीवन संस्थान के यूट्यूब चैनल आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं फाजिल्का के डेरा बाबा बलवंतगिरी में, यहाँ पर ब्रह्मलीन महंत बाबा अजमेर गिरी जी की आज पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जिस प्रकार से यहाँ पर साधु संत पहुंचे हुए हैं, यह कार्यक्रम डेरा बाबा बलवंतगिरी के संचालक बाबा सुरेंद्र गिरी तथा बाबा शबली गिरी के नेतृत्व में यहाँ पर संपन्न हुआ। जिस प्रकार से यहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ। बने रहे मेरे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। चौखट पे आके जो भी सर को झुकाए रे, चौखट पे आके जो भी सर को झुकाए, खाली झोली फल में देखो कैसे भर जाए, खाली झोली फल में देखो कैसे भर जाए। फाजिल्का का यह दृश्य है। फाजिल्का के डेरा बाबा बलवंतगिरी में आज ब्रह्मलीन महंत बाबा अजमेर गिरी जी को पुष्पांजलि दी गई। इस मौके पर आत्मानंद पुरी जी महाराज, मोनी बाबा सहित विभिन्न संतों महात्माओं ने पहुंचकर बाबा अजमेर गिरी जी को पुष्पांजलि दी। इस मौके पर डेरा के संचालक बाबा सुरेंद्र गिरी तथा बाबा शबली गिरी विशेष रूप से उपस्थित है। किस प्रकार से यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ। बने रहे मेरे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। में हंसा देते हो जब भी कोई रोता है, दीदार आपका आज भी होता है, पल में हंसा देते हो जब भी कोई रोता है, अर्जी लगाने वाला दिल से लगाए रे, हम आपको मिलवाने जा रहा हूँ यहाँ पर पहुंचे संत महात्माओं से, विधिक से जानकारी दे रहे हैं। आरबीआई मीडिया आपका अपना चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। महाराज जी, किस तरह का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया, उसके बारे में जानकारी दें। ओम शांति 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 ही। हाँ, परम पूज्य परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित ब्रह्मनिंद बाबा श्री अजमेर गिरी जी महाराज, आज उनके सवा महीना 40 दिन दिवस पूरे हो गए हैं, तो उनकी जितनी भी क्रिया है, धार्मिक कार्यक्रम है, वो आज पूर्ण निर्विघ्न संपूर्ण हो गए है। वैसे तो इनके 12 महीने कार्यक्रम चलते रहेंगे, उनको हमेशा याद रखा जाएगा, लेकिन जो व्यवहारिक सामाजिक जो कार्यक्रम है आज समाप्त हो गया है, और सभी लोग रोज आते हैं उनका उसी रूप में, उसी जैसे जीवित अवस्था में थे, अपने रूप में थे, स्थूल रूप में थे, शरीर रूप में थे, तो यहाँ निराकार रूप में सभी के हृदय में हमेशा विराजमान रहेंगे, और हम हमेशा उनको याद करके रहेंगे, कभी उनका विस्मरण ना हो, और उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है, जो मार्ग बताया है, उस मार्ग में चलते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे, और उनकी जो परंपरा है निभाते रहेंगे, और आज उनको याद करते हुए अपने वाणी को हरिओम हरिओम। जी महाराज, किस तरह का कार्यक्रम था बताएं। यहाँ पे हमारे गुरु जी के सिद्धांजलि आज दी गई, 40 दिन पूजे हुए, सवा महीना, तो आज सिद्धांजलि दी गई उनको, और हमारे गुरु जी के चरणों में हमारी विनती है, प्रार्थना है कि जो हमको मार्गदर्शन देखे गए हुए हैं उस मार्ग पे हम चलते रहें, और वही रास्ता हम पकड़ें, कभी हम भटके ना, डोले ना, उनके आशीर्वाद ऐसी हमारे पर बनी रहे। क्या क्या कार्यक्रम आज आयोजित किया गया उसके बारे में भी बताएं। आज लंगर भी रहा, और सुबह हवन हुआ 9 से 10, कीर्तन भजन स्वामी जी के प्रवचन, उसके बाद लंगर। प्रेम जी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। आज वीरवार बाबा जी दे 40 दिन पूरे हुए, सवा महीना, उन्दे उपलक्ष दे विच
जिहड़ी जिस दिन तो उन्होंने समाधि स्थान दिता गया सी उस तो बाद अखंड जोत जिहड़ी इत्थे चल रही सी अज 40 दिन पूरे होने ते उस ज्योति की रस्म नूं पूरा क्योंकि अज तक तो निर्विघन चली है लेकिन किसी वक्त भी ये अखंड ज्योति है जिहड़ी उहदे च विघन ना आवे इस करके एक समागम प्रोग्राम संत महापुरशां दा हुंदा जिहड़ा प्रोग्राम पुष्पांजलि अर्पित जिहड़ा की है अखंड जोत खत्म हो के सुबह शाम की आरती और प्रार्थना रह जाती है अज वो पूरे इलाके के संत महापुरश न्योता दे के बुलाया गया सी उन्होंने बहुत वधिया इत्थे सत्संग किया प्रवचन किया हवन का आयोजन किया गया उस तो बाद देवियां भैणां ने संकीर्तन का प्रोग्राम रखा बहुत अच्छा संकीर्तन का प्रोग्राम चलिया संकीर्तन के प्रोग्राम तो बाद बहुत सारे आए हुए महापुरशां नूं तिलक लगा के प्रणाम करके उन्होंने भोजन का व्यवस्था की हुई सी वो भोजन तो बाद लंगर की व्यवस्था सी और लंगर संपूर्ण करके हुण बाबा जी नूं श्रद्धांजलि अर्पण की गई है और पुष्प अर्पित किए गए हैं भी बाबा जी की जोत है जी हर एक कृपा बनाई रखे हर एक सदमार्ग के रस्ते से चलाई रखे इन्ना ही कहें मैं अपने शब्दों विराम देना बाबा अजमेर गिरी महाराज की जय।